चलिए दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है टेस्ट वो कही जी चैनल पर। नमस्कार। पहले तो आप जल्दी से वीडियो को शेयर करिए, है ना। आज एक छोटा सा लेक्चर कर लेते हैं, 1 घंटे के आसपास का ये लेक्चर करेंगे। और इसमें कुछ ना नए क्वेश्चन हम जो है ना, जो जनरल अवेयरनेस के PGCIL में आने के चांसेस हैं वो सारे कर लेते हैं। मतलब ये बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है जो चांसेस है कि आएंगे, और कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हैं। कोई कहेगा सर जीके में तो 10-15 क्वेश्चन आते हैं, हार्डली 10 क्वेश्चन। बेटा 10-10 करके भी अगर आप प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन कर लोगे तब भी सब कुछ हो जाएगा कवर। ठीक है, वीडियो एक बार ही शेयर करो, पहले के जितने बच्चे देख रहे जल्दी से वीडियो को शेयर करिए। 1 घंटे का लेक्चर रखते हैं और फटाफट क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर लेंगे, ना। चलिए जल्दी से वीडियो को शेयर करिए। जरूरी क्लास है भाई, देखो जरूरी इसलिए है क्योंकि कोई भी एग्जाम आता है ना पास में, तो उसका रिवीजन बहुत जरूरी है। चलो शेयर कर दो। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग रजत, श्रीवास्तव, श्रीवास्तव रजत, और जो भी बच्चा है जल्दी से शेयर कर दो। ठीक है, अपना पटना बिहार। चलो, और मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना फॉर द कंटेंट। कुछ दिनों में आपके रेगुलर लेक्चर स्टार्ट हो जाएंगे रात को। ठीक है, सफलता बैच भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें आपको डेली लाइफ क्लासेस मिल जाएंगी। मेरा कोड यूज कर सकते हैं आप, इससे आपकी फीस कम हो जाएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पहला आप सभी के सामने। देखो इसमें ना मैं करंट अफेयर्स लेके जा रहा हूँ, ज्यादा साइंस लेके जाऊंगा, थोड़ा हिस्ट्री पॉलिटी थोड़ा बहुत, जिसमें मतलब एक एवरेज पेपर जैसा आ रहा है। उसमें से 10-10 क्वेश्चन जो आ सकते हैं वो इस तरीके के होंगे। मैं PDF अभी डाल दूंगा यार, इस क्लास के बाद आपको PDF पक्का डाल दूंगा, जो सुबह की PDF है ना, करंट अफेयर की। क्या बताओ, संतोष ट्रॉफी जो है फुटबॉल का एक बहुत बड़ा इवेंट है, इसमें से कौन सा कंपनी इसका स्पॉन्सर है? ठीक है, स्पॉन्सर कौन करता है संतोष ट्रॉफी को? वेरी वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। हेलो डियर शिवानी, चलिए आंसर के इस क्वेश्चन का। कौन सी कंपनी टाटा, वीवो, सऊदी, जैसे IPL को कोई स्पॉन्सर करता रहा, बड़ा फेमस हो रहा है कि भाई IPL को स्पॉन्सर किया, बहुत क्वेश्चन आता है वैसे ही। ठीक है, हीरो मोटर कॉर्प जो है ये संतोष ट्रॉफी को, ठीक है, क्या करती है, स्पॉन्सर करती है। ये क्वेश्चन डिफिकल्ट था, कईयों को नहीं आता था, तुक्केबाजी कर रहे हो, ऐसे क्वेश्चन पढ़ने। जीतू रॉय, ओम प्रकाश, इनको गोल्ड और ब्रॉन्ज मिला है कॉमनवेल्थ गेम 2018। जब देखो, अगर कॉमनवेल्थ गेम में मिला है अवार्ड, मतलब ब्रॉन्ज और गोल्ड, तो फेमस है। इनका खेल कौन सा, किस खेल से संबंधित है? सेम ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन आपके अन्य पेपरों में भी आ रहे। ठीक है, आंसर के इस क्वेश्चन का। शूटिंग, किसी ने भी आंसर नहीं बताया भाई, कैसे नहीं बता रहे यार आंसर? एटलीस्ट एक दो हिंट तो होने चाहिए ना कि हाँ यार इसका ये आंसर हो सकता है, हिंट तो एटलीस्ट रखो। चलो एक और क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है जिसमें DPSP आता है? DPSP किसका हिस्सा है? ये आसान है, चलो ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, ये मिसलेनियस है, पूरा मिक्स कर रखा है कि जो लेटेस्ट पेपर टाइप हो सकता है और जो प्रीवियस ईयर में जो पेपर आया वो इस टाइप के है। ठीक है, चलिए आंसर के इस क्वेश्चन का। पार्ट फोर्थ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑब्वियसली DPSP जो है पार्ट फोर्थ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देखेंगे, सोल्व करेंगे। ऐसे ही पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट, ठीक है, ऐसे ही आपका 6 में आपका स्टेट्स आ जाएंगे, 2nd में आपका, ठीक है, सिटीजनशिप आ जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, भवाई फोक डांस है, कॉमन है भाई फोक डांस, ये फोक डांस फेस्टिवल। तो जो भी आसान क्वेश्चन बनाते हैं वो सबसे पहले फोक डांस और फेस्टिवल डाल देते हैं, ठीक है ना। तो भवाई जो है कहाँ का फोक डांस है? राजस्थान का है या किसी और स्टेट का फोक डांस है भवाई? बताइए आंसर क्या है इसको। चलो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का। बेटा रात को जो आपकी रेगुलर क्लासेस हैं वो हम थोड़े दिनों में रिज्यूम करेंगे, ठीक है, अच्छे क्लासेस लेके आएंगे आपके लिए। आंसर क्या क्वेश्चन है, राजस्थान। चलो एक और क्वेश्चन देखिए, चीता जो है नेशनल पार्क में रीइंट्रोड्यूस किया गया, कौन से नेशनल पार्क में चीता को मतलब चीता पहले था
फिर एक्सटेंड हो गया इस नेशनल पार्क से, अब दोबारा इस नेशनल पार्क में रीइंट्रोड्यूस किया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बताइए, एनी गेस, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या। अच्छा, तो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? ठीक है सर जी, मैच नहीं देख रहे? मैच में देखना क्या यार, इंडिया फोड़ देता है अफ्रीका, 4 विकेट पे हो चुका है, क्या ही जीतेगा यार अफ्रीका वहां से, समझ रहे हैं? है ना, इसलिए देखो वो चीज जिसमें टक्कर हो, ठीक है, बिना टक्कर तो क्या ही मजा। कुरु नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में, है ना, और ये इतना प्रसिद्ध हुआ मोदी जी के समय में, अभी ये हुआ ना, अभी कुछ चीता तो मर भी गए, ठीक है ना। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, इंडियन स्टेट्स जिसमें पैका डांस जो है फेमस है, जैसे भवाई है वैसे ही पैका डांस है फेमस, ठीक है, किस स्टेट में, इस क्वेश्चन का आंसर है। बताइए, तो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का आंसर है उड़ीसा, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? उड़ीसा इस क्वेश्चन का आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, देखिए उस्ताद अल्लाह राखा फेमस है, क्या बजाते हैं, जल्दी से बताइए, उस्ताद अल्लाह राखा फेमस है, क्या बजाते हैं? ये इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं भाई, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति फेमस हो कुछ इंस्ट्रूमेंट प्ले करता हो तो वो मिलता है कुछ, ठीक है। तो भैया ये देखो, जैसे बिस्मिल्ला, ठीक है, उस्ताद बिस्मिल्ला खान, ठीक है, बिरजू महाराज, अल्लाह राखा, तो ये किसी ना किसी चीज के लिए फेमस है, ठीक है, तो वो क्वेश्चन आएंगे आपके। तबला इस क्वेश्चन का आंसर है, इस क्वेश्चन का आंसर ये। तेज सिंह राजदाना एक फेमस इंडियन शूटर है जिनको अभी ब्रॉन्ज मेडल मिला है टोक्यो पैरा ओलंपिक, क्योंकि टोक्यो पैरा ओलंपिक में अवार्ड मिला है, ब्रॉन्ज मेडल मिला है, यानी कि, तो इनके ऊपर पूछा जा सकता है कि कितने मीटर के एयर पिस्टल राइफल शूट में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। 10 मीटर, 65 मीटर, 25 मीटर, 50 मीटर, किसमें पार्टिसिपेट किया था? कमेंट करिए, बताइए आंसर ये इस क्वेश्चन का। अच्छा क्वेश्चन बताइए, ठीक कल भी शायद हमारी 8 बजे के करीब क्लास हुई थी। चलो आंसर के इस क्वेश्चन का, 10 मीटर इस क्वेश्चन का आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिए, अभी ना ये चीज फाइनली हो रही है कि क्लासेस किस समय कब हो रही है टेक्स्ट बुक पे मेरे एंड से, बट फिर भी सुबह 8 बजे एक लेक्चर रेगुलर रखा हुआ है, बाकी आपको बताइए। देखिए अब जैसे हिस्टोरियन वाज द ऑथर ऑफ इंडिका, इंडिका के ऑथर कौन थे? चलो तो आंसर के इस क्वेश्चन का आंसर है मेगस्थनीज। देखो मेगस्थनीज चंद्रगुप्त जो मौर्य थे फर्स्ट, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, ठीक है, उनके समय में एम्बेसडर थे, ठीक, भीम एम्बेसडर, ठीक है। भीमसेन जोशी जो है इसमें से क्या बजाते हैं, सरूद या फिल्म से संबंधित, वोकल म्यूजिक से, कथक से? भीमसेन जोशी किससे संबंधित, बताइए आंसर क्या। बड़े अच्छे क्वेश्चन है, बिल्कुल नया पैटर्न है, लेटेस्ट पैटर्न है, 2-3 महीने के एग्जाम्स का आने के चांसेस पूरे पूरे ऐसे क्वेश्चन, ठीक है, बताइए। अगर आप ये वाले क्वेश्चन कर पा रहे हो यानी कि आप पेपर अच्छा करने वाले, ठीक है, कोई भी एग्जाम नहीं कर पा रहे हो यानी कि अभी आपको पेपर वाले क्वेश्चन नहीं आते, आंसर है वोकल म्यूजिक, ठीक है, वोकल म्यूजिक से संबंधित है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, पता है मोपला रेबेलियन, अहोम रेबेलियन, मोपला रेबेलियन, ये सब रेबेलियन के क्वेश्चन आते हैं कि भाई कौन से ईयर में हुआ था, ठीक है, कौन से ईयर में कौन सा रेबेलियन हुआ था, क्वेश्चन टाइप इंपोर्टेंट, ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। चलो तो इस क्वेश्चन का आंसर है 1921 से 22, ठीक है, 1921 से 22। देखिए फंडामेंटल राइट, देखो इसमें से कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है, फंडामेंटल राइट डू नॉट इंक्लूड, ठीक है, इंडिया में कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है, ये पहले था फंडामेंटल राइट, अब नहीं है, है ना, राइट टू प्रॉपर्टी पहले फंडामेंटल राइट था, 44th अमेंडमेंट हुआ और ये आर्टिकल 300A में एक लीगल राइट बन गया, ठीक है, आर्टिकल 300A में ये एक लीगल राइट बन गया, मतलब फंडामेंटल राइट से ये अलग हो चुका है, ठीक है, एक आसान क्वेश्चन बन, ठीक है ना। चलो तो एक और क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, बताइए पहले वाइस चेयरमैन नीति आयोग के, जल्दी से बताइए। देखो जो
नीति आयोग के अभी के जो बने हुए हैं वो तो इम्पोर्टेंट है ही, ठीक है, बट द फर्स्ट वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, क्योंकि ऐसा चेयरमैन नहीं पूछ सकते, चेयरमैन तो हमेशा प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, तो वो तो कोई नहीं पूछने वाला, लेकिन वाइस चेयरमैन जरूर पूछ सकते हैं, बताइएगा। ये लेटेस्ट पेपर में क्वेश्चन आया है, आइडिया, ठीक है, बताइए क्या अंदाज है आपका इसमें। ये पहले आंसर है इस क्वेश्चन का अरविंद कंगारिया, ठीक है। वैसे अभी कौन है, अभी कौन है, क्योंकि ना एक पेपर में ना अभी का भी पूछा गया था, अभी मैंने इसमें क्वेश्चन रखा भी है ये भी, ठीक है, अभी के कौन है, लेकिन फिर भी आप बता सकते हैं अभी का कौन है। चलिए बताइए, बंगाल का विभाजन डिक्लेयर हुआ था किस वर्ष में, ठीक है, बंगाल के विभाजन को किस दिन डिक्लेयर किया, किस वर्ष में, ठीक है, एम सुब्रमण्यम। चलिए देखिए, बंगाल का विभाजन आपको ये, सर हमें तो ईयर पता है बेटा, ये सबको पता है, बट द गेम इज कि किसी को डेट नहीं पता एग्जैक्टली, बार बार बच्चे पढ़ते हैं ईयर 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, डेट भी पता होनी चाहिए, ठीक है। आंसर है 19 जुलाई 1905, ठीक है, 19 जुलाई 1905, ठीक है। देखिए दही हांडी का फेस्टिवल, ये तो सबसे कॉमन है यार, दही हांडी कहाँ पे फेस्टिवल हो सकता है, कौन सा, मतलब किसका पार्ट हो सकता है दही हांडी पार्ट, किस किस फेस्टिवल का पार्ट हो सकता है, बड़ी बेसिक सी बात होगी ये कि दही हांडी किस किसका फेस्टिवल हो सकता है, तो आंसर जन्माष्टमी, ठीक है, जन्माष्टमी। एक और क्वेश्चन देख, रेड वर्म हैव अ स्ट्रक्चर नेम डैश व्हिच हेल्प इन ग्राइंडिंग देयर फूड, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या, बताइए आंसर क्या इस क्वेश्चन। रेड वर्म्स हैव अ स्ट्रक्चर नेम गिजार्ड्स Which help them in grinding their food. देखिए थोड़ा सा मुश्किल है, जो रेड बॉम्स होते हैं उनमें कुछ गिजार्ड्स होते हैं जो कि उनके फूड को ग्राइंड करने में हेल्प करते हैं, बट थोड़ा सा डिफिकल्ट है, कुछ ज्यादा ही डिफिकल्ट हो गया, ठीक है ना। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, जेली फिश एग्जाम्पल है कौन से फाइलम का, ओहो गजब क्वेश्चन आ रहे हैं, पर देखो लेवल है, मैच करना पड़ेगा आपको, अगर आप ये वाला लेवल नहीं मैच कर पा रहे चलता है, लेकिन बट ये तो बताओ ना कि फाइलम वाले क्वेश्चन तो आपके प्लांट किंगडम एनिमल किंगडम के बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, ये तो आने चाहिए, प्लांट किंगडम एनिमल किंगडम का क्वेश्चन तो आना चाहिए, पीछे वाला नहीं भी आता तो चलेगा। चलो तो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, आंसर है पालम सिंडेरिया, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, अभी जैसे 23rd रिपब्लिक सेलिब्रेशन हुआ, ठीक है, उसका रीट्रीट किस तारीख को हुआ, तो क्या सर ये तो बड़ी मुश्किल से बात कर दी करंट अफेयर की, और भी 20-22 का, बेटा रीट्रीट ऑलमोस्ट एक ही डेट्स पे होता है, 26 जनवरी के जस्ट बात होते हैं रीट्रीट, तो अभी जो रीट्रीट हुआ था वो किस तारीख को हुआ था बताइए, 20-22 का। चलिए 20-22 का 29 जनवरी को हुआ था। लेजिस्लेटिव असेंबली में कितने वर्ष होते हैं, ठीक है, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली में एक अगर मेंबर है तो उसका कितना वर्ष होगा, ठीक है, द टर्म ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इज हाउ मेनी ईयर, लोकसभा कितने वर्ष की होती है या फिर विधानसभा कितने वर्ष की होती है, 5 साल, क्या आंसर होना चाहिए, बड़ा आसान क्वेश्चन है, लोकसभा कितने वर्ष की होती है, 5 साल, ऑब्वियसली 5 साल, मेंबर भी 5 साल के लिए होते हैं, लोकसभा होती है 5 साल के लिए, हेलो नम्रता। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, कथक डांसर जिनको पद्म भूषण मिला था, ठीक है, 1986 में, बड़े फेमस है कथक के, बड़े फेमस डांसर है, बाजीराव मस्तानी के एक सॉन्ग को कोरियोग्राफ किया है, वैसे पद्म भूषण सम्मानित है, बहुत प्रसिद्ध नाम। बिरजू महाराज यूपी से, मतलब कथक डांस यूपी से, पंडित बिरजू महाराज। एक और क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बता दो एक बारी, जैसे पद्मश्री अवार्डी है नालिनी और कमलाली अस्थाना, ये दोनों ये कथक डांस के हैं और किस घराने से संबंधित है, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन बट ट्राई करो, किस घराने से संबंधित है, चल ध्यान रखना, ये है बनारस घराने से, ठीक है, कौन से घराने से, बनारस घराने से, ठीक है।
अभी ग्रैमी अवार्ड कौन से म्यूजिशियन को दिया गया है? लाइफ टाइम अचीवमेंट ग्रैमी अवार्ड कौन से म्यूजिशियन को? जैसे मूवी के जगत में ऑस्कर है, वैसे म्यूजिक के जगत में ग्रैमी है। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट ग्रैमी अवार्ड किसको दिया गया बताइए? बड़ा अच्छा क्वेश्चन। जुबीन मेहता या कुछ और आंसर? यानी ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो सॉल्व करो यार, इतना धीरे धीरे आंसर दे रहे हो इतने आसान क्वेश्चन में। ठीक है, आंसर है पंडित रविशंकर। और पंडित रविशंकर जी क्या बजाते हैं? इफ यू गो बताइए, पंडित रविशंकर जी क्या बजाने में माहिर है? यूएसए में इनको जो है इनके नाम पे एक डे ऑब्जर्व किया जाता है, पंडित रविशंकर जी के नाम से। ठीक है, क्या नाम? क्या संतूर? संतूर सितार नहीं। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, सितार। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी जी ने एक डोनी पोलो एयरपोर्ट अभी जो है लेटेस्ट में इनॉग्रेट किया, ये डोनी पोलो एयरपोर्ट कहाँ पे? ठीक है, आसान है क्वेश्चन, नॉर्थ ईस्ट में है। ऑप्शन चलो सारे नॉर्थ ईस्ट दे रखे हैं। ठीक है, आंसर के इस क्वेश्चन का आंसर है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है बताइए, भारत रत्न अवार्ड इनमें से किन्हें नहीं मिला है? आप बता सकते हैं, इनके नाम पे मूवी तो बनी है लेकिन भारत रत्न अवार्ड ये नहीं। ठीक है, पंडित रविशंकर हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी भी हैं, प्रणब मुखर्जी भी हैं, धोनी जी नहीं है अभी, है ना, एम एस धोनी। चलिए, अगर आंसर है एम एस धोनी तो आंसर इस क्वेश्चन ये बताइए, आंसर लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी किसकी है? पॉपुलेशन आबादी का घनत्व सबसे कम किसका है पूरे देश में 2011 सेंसस? ठीक है, 2011 सेंसस कहता है अरुणाचल प्रदेश का। 5-6 लोग रहते हैं, बहुत कम लोग रहते हैं अरुणाचल प्रदेश में, तवांग हो गया इन सब जगह पे तो ना के बराबर पॉपुलेशन है, ठंड रहती है ज्यादा, लोग कहाँ से रहेंगे। ठीक है, एंटा एसिड में कौन सा एक एक्टिव इनग्रेडियंट होता है? एंटा एसिड में कौन सा एक एक्टिव इनग्रेडियंट होता है? चलो, तो आंसर क्या इस क्वेश्चन का? तो आंसर इज, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट एंटा एसिड में। अब जैसे जेवलिन थ्रो का ही है और वो भी पैरा एथलेट में, मैंने आपको शायद इसका एक क्वेश्चन कराया भी था, मैंने कल आपको दो क्वेश्चन कराए थे, एक नीरज चोपड़ा का कराया था, एक महिला में अनु रानी का कराया था कुछ, और अभी मैं पैरा एथलेट में करा रहा हूँ जेवलिन का, कि भैया हमारा गोल्ड मेडल मैन जेवलिन थ्रो में पैरा एथलेटिक्स में भी आया। ठीक है, तो ये बड़ी बात है, और ये किसने जीता है? ठीक है, अजीत सिंह जी के द्वारा जीता गया है। ठीक है, अजीत सिंह जी के द्वारा जीता गया। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का पार्ट ये नहीं है, एक अगर बी के नाम से तो देंगे नहीं, क्योंकि भैया बी वाले तो बी नाम से होते, ऐसे विटामिन सी को एस्कोर्बिक एसिड कहते हैं। ठीक है, तो एस्कोर्बिक एसिड विटामिन सी तो भैया बी कॉम्प्लेक्स का पार्ट है नहीं, सिंपल सा है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, एस्कोर्बिक एसिड विटामिन सी का नाम है तो फिर वो क्वेश्चन अपने आप साफ सॉल्व होता। चलिए एक और क्वेश्चन देखें, पारुल चौधरी जी ने भी गोल्ड जीता है एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप में, कौन सी गेम में? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या, कौन सी गेम में जीता है इस क्वेश्चन का आंसर क्या? चलो आंसर इस क्वेश्चन का 3000 मीटर स्टेपल चेंज। एक और क्वेश्चन देखिए, आर्टिकल 20 कॉन्स्टिट्यूशन किसका, मतलब जो आर्टिकल 20 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो किससे डील करता है? बेटा वीडियो को शेयर भी करना, क्वेश्चन अच्छे हैं। कल भी मैंने 8 बजे एक लेक्चर कराया, आज भी करा रहा हूँ, लेकिन कल जो लेक्चर होगा वो सुबह 8 बजे होगा। ठीक है, इसी एग्जाम से भी संबंधित होगा, बट ध्यान रखना सुबह 8 बजे लेक्चर होगा कल, और जरूरी लेक्चर है। ठीक है, कल एक ही लेक्चर है, सुबह 8 बजे है, जरूरी लेक्चर। ठीक है, यूटिलाइज करना, मतलब 8 बजे का कल क्लास जरूर दे। चलो आंसर क्या इस क्वेश्चन का, देखो आर्टिकल 20 डेफिनेटली ऑफेंस, ठीक है, उसमें कन्विक्शन जो होता है ना उसमें प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट और एल्यूमिनियम का कौन सा है, बहुत बेसिक क्वेश्चन, ठीक
ठीक है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट ओर इज बॉक्साइट। ठीक है, बड़ा आसान है। ठीक है चलो, तो आंसर के इस क्वेश्चन का बॉक्साइट है। ठीक है, जैसे अगर मैं देखो उदाहरण के तौर पे सारे दिए जा सकते हैं, जैसे पीवी का है, लेड का है गलेना, वैसे ही बॉक्साइट इसका है एल्यूमिनियम का। ठीक है, वेलम कोनराड रोंटेजन इन्होंने क्या डिस्कवर किया था? कोनराड रोंटेजन के द्वारा, डब्ल्यू सी रोंटेजन, सी रोंटेजन। अगर सी रोंटेजन सुनोगे ना तो अपने आप दिमाग में आएंगे यार रोंटेजन ने कुछ बड़ा फेमस डिस्कवर किया था। सभी को पता है रोंटेजन की डिस्कवरी बड़ी फेमस है, बहुत ज्यादा फेमस है। एक्सरे, तो आंसर है इस क्वेश्चन का एक्सरे, इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, आसान है क्वेश्चन, मतलब मुश्किल है ही नहीं। धनक जो है ये इंस्ट्रूमेंट किस डांस फॉर्म में यूज है, मेन इंस्ट्रूमेंट ऑफ विच डांस फॉर्म? धनक जो है कौन से मेन इंस्ट्रूमेंट है, कौन से डांस फॉर्म का, इस क्वेश्चन का आंसर है। चलो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, काफी इस क्वेश्चन का आंसर है। एक और क्वेश्चन देखेगा, हु इज नोन एज द फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स? तो देखो जो फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो कौन है, एल्फर्ड मार्शल। ठीक है, एल्फर्ड मार्शल। ठीक है ना, तो एल्फर्ड मार्शल आपको पता होना चाहिए, ऐसे इकोनॉमिक्स के जनक अलग है। ठीक है भाई, क्या हो गया? चलिए मुश्किल, अगर आपको ये क्वेश्चन मुश्किल लग रहे थे, आप पेपर के क्वेश्चन से दूर दूर तक ही जुड़े हुए हैं। पेपर के क्वेश्चन, लिटरली पेपर के क्वेश्चन है सारे। ठीक है, जो लेटेस्ट, बिल्कुल लेटेस्ट पेपर के, प्रीवियस ईयर के नहीं, बहुत ज्यादा प्रीवियस ईयर के भी नहीं, अभी के समझ। ठीक है, मसायना जो है, ये सैड सॉन्ग है, कौन से रीजन में ये गाने गाए जाते हैं, सैड सॉन्ग, दुख भरे गाने, उदासीन गाने? निमार, मालवा, बुंदेलखंड, कहाँ के गाने भाई, बताएंगे? तो ये कहाँ के गाने हैं, ये है निमार। ठीक है चल, एक और कुछ, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ म्यूरेटिक एसिड? बताइए म्यूरेटिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला क्या है। चलो तो आंसर के इस क्वेश्चन का, देखो म्यूरेटिक म्यूरेटिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला क्या है, जल्दी से देखें। चलो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, HCl इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है चलो, एक और क्वेश्चन देखिए, आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट डिफर इन विच ऑफ? देखो जो आइसोटोप्स होते हैं ना वो किस चीज में डिफरेंट होते हैं, जैसे H1, H2, H3 है, तो दे आर डिफरेंट इन व्हाट, मास नंबर। आइसोटोप आइसोबार का बेसिक क्वेश्चन, स्टैंडर्ड क्वेश्चन, अगर आपको नहीं आता तो साइंस 9वीं 10वीं तक की नहीं आती, और 9वीं 10वीं की साइंस नहीं आती है, 5 क्वेश्चन छोड़ के चलना, मतलब 3 क्वेश्चन तो छोड़ ही। सीबीसी कौन बने हैं? देखो ये छोड़ो, अभी क्या है कि अपॉइंटमेंट वाले क्वेश्चन कभी भी बदल सकते। तारिक उस हिंद, ठीक है, तारिक उस सिंध जो है, इसके ऑथर कौन, हु इज द ऑथर ऑफ तारिक उस सिंध जो है, इसके ऑथर कौन? चलो आंसर के इस क्वेश्चन का, मीर मोहम्मद मासूम। ठीक है चलिए, एक और क्वेश्चन देखिए, बैटल ऑफ अलीवाल, ये मुश्किल है। देखो पानीपत की लड़ाई, ठीक है चल, बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है, और चौसा की बैटल, तराइन की बैटल, ये तो बड़े ईयर, ये ऐसे क्वेश्चन है इजी से कि भाई सबको पता होते। ठीक है ना, आंसर के इस क्वेश्चन का बताइए, बैटल ऑफ अलीवाल जो है किस वर्ष में, ठीक है, हुआ था? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कमेंट करिए जल्दी से जल्दी। बैटल, बेटा बफरिंग तो नहीं हो रही, स्क्रीन सही दिख रही है, थोड़ा सा बफरिंग इशू लग रहा है।
आंसर इस क्वेश्चन है 1846। ठीक है 1846। एक और क्वेश्चन देखेंगे, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, यूरोपियन पावर ने अपना जो सबसे पहला ट्रेडिंग पोस्ट बनाया था, कौन सी यूरोपियन पावर ने अपना पहला ट्रेडिंग पोस्ट बनाया हो? देखो पुर्तगाली पहले आए थे, तो क्या पुर्तगालियों ने अपना पहला ट्रेडिंग पोर्ट बनाया होगा? बताइए, ट्रेडिंग पोस्ट किसने बनाया होगा? ठीक है बताइएगा, अगर पुर्तगाली पहले आए थे तो क्या पुर्तगालियों ने अपना पहला ट्रेडिंग पोस्ट बनाया होगा, या किसी और ने, ब्रिटिशर्स ने, फ्रांसीसियों ने, डच ने? बड़ी बेसिक सी बात है भाई, जब पुर्तगाली है, पुर्तगाली बड़े साल हुए, ठीक है ना, तो पुर्तगाली सबसे पहले ट्रेडिंग पोस्ट बनाया, बाकी सभी ने भी बनाया लेकिन पुर्तगालियों ने सबसे पहले। ठीक है, विच कंट्री वोन द मेन एशिया 2022 क्रिकेट कप? ये आसान है, श्रीलंका ने जीता। ठीक है आसान है, इसमें से कौन से एक चालुक्य रूलर है, चालुक्य शासक है, बताइए कौन से एक चालुक्य रूलर है? बैक टू बैक क्वेश्चन करो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करो, जरूरी है ये सारे क्वेश्चन। चलो तो आंसर है इस क्वेश्चन का, आंसर है इस क्वेश्चन का पुलकेशिन सेकंड। चलो एक और क्वेश्चन देखिएगा, ट्रॉपेक्स 2023 एक्सरसाइज किसने कंडक्ट करी? देखो इंडिया की फोर्सेस के ऊपर क्वेश्चन है कि भैया नेवी, एयरफोर्स, आर्मी और कोस्ट गार्ड, तो कौन सी फोर्सेस ने ट्रॉपेक्स ट्रॉपेक्स एक्सरसाइज एक बड़ी एक्सरसाइज है जिसमें दुनिया भर के देश जो है जुड़ते हैं, और ये नेवी के एक्सरसाइज है, दुनिया भर की जो नौसेनाएं हैं वो इसमें आती हैं, पार्टिसिपेट करती हैं। ठीक है ना, और इंडिया इसे कंडक्ट करता है। चलो एक और क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन था, ह्यूमन राइट फिल्म फेस्टिवल जो हुआ था, इसका जो सेकेंड एडिशन, ह्यूमन राइट फिल्म फेस्टिवल 2022 में हुआ, इसका सेकेंड एडिशन कहाँ पे होस्ट किया गया? बताइए, यानी कैसे बताइए, सेकेंड एडिशन कहाँ पे होस्ट किया गया? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या? चलो तो आंसर है इस क्वेश्चन का द ह्यूज नीदरलैंड। एक और क्वेश्चन देखिए, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, मिन्हाज सिराज एक क्रॉनिकल है, और ये क्रॉनिकल किस शासक के समय का? बताइए मिन्हाज सिराज जो है क्रॉनिकल है किस शासक के समय का? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। देखो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कि सुल्तान इल्तुतमिश, इल्तुतमिश आप इसे भी जानते होंगे, गुलाम वंश के शासक रहे इल्तुतमिश, तो उनके समय का है ये क्रॉनिकल। ठीक है ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, हमारी इम्यूनिटी से संबंधित कौन सा सेल टाइप सबसे इम्पोर्टेंट है? सेल टाइप है ऑब्वियसली सबसे इम्पोर्टेंट, कौन सा सेल टाइप है जल्दी से बताइए, कौन सा सेल टाइप सबसे इम्पोर्टेंट है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? चलो तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है दोस्तों? इस क्वेश्चन का आंसर है लिम्फोसाइट। ठीक है लिम्फोसाइट है, लिम्फोसाइट बी सेल्स होते हैं। ठीक है लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं? लिम्फोसाइट्स आर द बी सेल्स और टी सेल, टी सेल। ठीक है बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट सुना होगा आपने, तो वो जो है हमारी इम्यूनिटी में काम करते हैं। ठीक है लिम्फोसाइट कम होना मतलब इम्यूनिटी कम होगी, बुखार होगा, गला पक जाएगा जल्दी से, ये सब चीज होंगी। लास्ट पावरफुल किंग ऑफ मुगल एम्पायर बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या? चल इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है औरंगजेब। ठीक है औरंगजेब इस क्वेश्चन का आंसर है।
ठीक है चल एक और क्वेश्चन देखिएगा, जैसे वाला क्वेश्चन है ऑब्वियसली, देखो कोई कहेगा नहीं सर बहादुर शाह जफर सेकंड आया था, मैं ये कह रहा हूँ पावरफुल पूछा गया ना, बहादुर शाह जफर वॉज जस्ट लाइक अ प्रोटोटाइप, ठीक है तो वो पावरफुल नहीं थे, औरंगजेब वॉज वेरी पावरफुल, ठीक है मराठा हार गए उसके समय में, औरंगजेब खतरनाक तो था ही, है ना। चलिए अगर क्वेश्चन देखिए, फाउंडर नागा डायनेस्टी कौन जो विदिशा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो नागा डायनेस्टी के फाउंडर का नाम बताइए, बताइए आंसर क्या, मतलब फाउंडर ऑफ नागा डायनेस्टी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या। अच्छा क्वेश्चन है, बताइए आंसर। देखो नागा डायनेस्टी के फाउंडर कौन, ठीक है विश्वनाथ, आपको ये अगर नहीं शिशुनागा है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, बताइएगा आंसर, बुक है ठीक है तबाकते नशीरी, इसके ऑथर कौन है, बताइए हु इज द ऑथर ऑफ दिस बुक तबाकते, ठीक है नशीरी के ऑथर कौन है, जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या। चलिए बताइए आंसर क्या इस क्वेश्चन का, चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर है ठीक है मिन्हाज उस सिराज, यही 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 सवाल है ठीक है जो पहले पूछा गया था ना सेम वैसे। चल एक और क्वेश्चन देखिएगा, जैसे क्वेश्चन है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम जो है हमने कंसेप्ट ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, कौन से देश के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने एक कंसेप्ट लिया है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या। ठीक है देखो फर्स्ट पास द पोस्ट का कंसेप्ट जो है ना एक इलेक्शन वाला कंसेप्ट है, और इलेक्शन पार्लियामेंट ये सब ब्रिटेन का काम, ठीक है हमने ये सब ब्रिटेन से कंसेप्ट लिए, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट थे, कितने आर्टिकल थे, पार्ट पूछ रहा है कितने पार्ट थे, बताइए आंसर के इस क्वेश्चन का, बड़ा अच्छा क्वेश्चन ठीक है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट थे, ठीक है द आंसर इज वेरी सिंपल, द आंसर इज 22, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, आर्टिकल भी याद रखना, जस्टिस किस टाइप के जस्टिस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, आंसर थोड़ा जल्दी बताइएगा, अब आंसर हम ना आधे घंटे में बहुत सारे क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, अब थोड़ा एकदम पॉलिटी पे फोकस करते हैं। जस्टिस कितने टाइप के हैं, पॉलिटिकल इकोनॉमिक सोशल, प्रीएम्बल में सारे लिखे हुए हैं ठीक है, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट, ठीक है। एनफोर्सेबल कोर्ट में क्या है, क्या एनफोर्सेबल कहने का मतलब, अगर आपको ये नहीं मिलता तो आप कोर्ट जा सकते हैं, दैट इज एनफोर्सेबल, एंड व्हाट इज नॉट एनफोर्सेबल इज डीपीएसपी, एनफोर्सेबल है कौन सा, तो ऑब्वियसली फंडामेंटल राइट इज एनफोर्सेबल, अगर नहीं मिलते हैं तो आप कोर्ट जाते रेट लगाते हैं, ठीक है। जो वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल है वो कौन से आर्टिकल में दे रखा है, बताइए कौन से आर्टिकल में वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल के बारे में लिखा हो, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या। बताइए आंसर क्या है, चलो तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, द आंसर इज आर्टिकल 67, ठीक है द आंसर इज आर्टिकल 67, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, देखिए किस बेसिस पे नेशनल इमरजेंसी नहीं लगाई जाती, भला इस बेसिस पे नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं, बाकी तीन बेसिस पे लग सकते हैं, ठीक है एक बेसिस कौन सा है, बेस इज वेरी सिंपल, इंटरनल डिस्टर्बेंस तो भैया कहीं पे भी हो सकती है, मोहल्ले में भी हो सकती है, तो नेशनल इमरजेंसी थोड़ी लगा दोगे, है ना, दिस कैन नॉट बी द बेसिस। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में द रेजिडुअल पावर बोरोड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, रेजिडुअल पावर जो है जैसे कुछ समृद्धि सूची में है, कुछ समृद्धि सूची के बाद थे यूनियन में है, कुछ स्टेट में है, केंद्र की सूची में, कुछ राज्य की सूची में, उसके बाद जो बच जाता है डेट इज रेजिडुअल पावर, और वो जो है किसके अधीन है, ये कहाँ से लिया हमने, कनाडा से लिया है, सेंटर के पास रखता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नहीं करना,
ये हो गया क्वेश्चन ना, बताइए। ये क्वेश्चन करा दिए, मैं कुछ क्वेश्चन ना और कराना चाहूंगा, ठीक है, जो और अलग से क्वेश्चन भी लेके आया हूं मैं, ठीक है। चलिए रुक जाओ, कुछ और क्वेश्चन लेके आया हूं मैं, हाँ यहां से, ठीक है। इंडिया में मोनजाइट कहाँ पे पाया जाता है, सोच समझ के बताना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा जहर क्वेश्चन है, खतरनाक। चलिए, है ना, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन है ना, इसका आंसर ना ज्यादातर बच्चे केरला लगाते हैं, बट द आंसर इज मोर देन वन ऑफ द अबव, क्योंकि मोनजाइट सैंड सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है ये सवाल नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे सवाल ये है कि मोनजाइट सैंड कहाँ पे पाया जाता है, सबसे ज्यादा नहीं पूछ रहा, तो पाया तो तीनों जगह जाता है, ठीक है। तो लेकिन सेकेंड फाइव ईयर प्लान किस पर फोकस था, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, सेकेंड फाइव ईयर प्लान इज फोकस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। बताइए आंसर क्या, इस क्वेश्चन का सेकेंड फाइव ईयर प्लान किस पर फोकस कर, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। चलो तो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर है कि भैया ये हैवी इंडस्ट्रीज पर फोकस है, ठीक, किस पर फोकस है, हैप्पी हैवी इंडस्ट्रीज पर, हाँ चलिए, है ना। एक और क्वेश्चन देखिएगा, जैसे वाला क्वेश्चन है, ठीक है, बताइए चेन्नई सुपर किंग ने अभी आईपीएल मैच जीता, जैसे मैं पहले कह रहा मुंबई इंडियंस के बराबर हो गया इनका आईपीएल स्कोर, जो विनिंग स्कोर है, तो ये टोटल कितना हो गया, बताइए ये टोटल कितना हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है, चलिए द आंसर इज फिफ्थ, ठीक है, आंसर इज फिफ्थ। एक और क्वेश्चन देखिएगा, पांच, मतलब 5 बार जीत चुके हैं आईपीएल, जैसे टोक्यो पैरा ओलंपिक 21 में अवनी लेखारा ने गोल्ड जीता, अब बड़ी फेमस खिलाड़ी हैं, इनके ऊपर तो ऑब्वियसली कोई भी क्वेश्चन आ सकता है कि भैया अवनी लेखारा जो है किस खेल से संबंधित जो है, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, किस खेल से संबंधित, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए सभी के सभी। बताइए आंसर क्या है। चलो तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है दोस्तों, आंसर है शूटिंग, ठीक है। देखो प्रसिद्ध खिलाड़ी जो प्रसिद्ध है उनपे सवाल आता ही आता, अवनी लेखारा बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, इसमें से कौन सी डिस्कवरी और साइंटिस्ट सेम सही नहीं है, ठीक है, जैसे मैं कहूँ एल्बर्ट आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है जी, अल्वा एडिसन, ठीक है जी, रदरफोर्ड इलेक्ट्रॉन, ये गलत, ठीक है, ये देता हूँ, मतलब ठीक है। तो भैया ये ऑब्वियसली ये साफ दिखाई दे रहा है कि ये गलत है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, कमेंट करिएगा, आर्टिकल 43 जो है किससे संबंधित है, बताइए, सोल्व करो बेटे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करो, जो पीडीएफ है वो मैं आपको सुबह वाली पीडीएफ जो करंट अफेयर की थी वो भी भेज दूंगा आज, ठीक है, और बाकी एक ब्लू सीरीज के कल क्वेश्चन कराए थे वो भी भेज दूंगा, ये वाले भी भेज दूंगा, ठीक है। चलिए आंसर के इस क्वेश्चन का, लिविंग वेजेस फॉर द वर्कर, ये बीपीएस भी है, इसमें पेरिस्कोप में क्या यूज होता है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, पेरिस्कोप में हमें क्या यूज करते हैं, बताइए आंसर के इस क्वेश्चन का, पेरिस्कोप में क्या यूज किया था, चलिए, है ना।
इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? देखो पेरिस्कोप में ना प्लेन मिरर यूज है। ऐसा क्या सिंपल सा है कि जो पेरिस्कोप होता है ना उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का, ठीक है, तो उसमें ना एक मिरर इधर लगता है, प्लेन एक इधर लगता है, जिससे इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। तो सिंपल प्लेन मिरर लगता है इसमें। 2022 के एशियन गेम्स कहाँ पे हो रहे हैं? बड़ा अच्छा क्वेश्चन, आसान भी है। 2022 के एशियन गेम्स कहाँ पे हो रहे हैं? ठीक है, आंसर है हांगजो, इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा। रणजी ट्रॉफी कौन जीता? ये आसान है क्वेश्चन, रणजी ट्रॉफी कौन सी टीम जीती है? एनी गैसेस, जल्दी से बताइएगा रणजी ट्रॉफी कौन सी टीम जीती है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या? चलो तो आंसर क्या इस क्वेश्चन का? देखो रणजी ट्रॉफी जो है सुशस्ता जो टीम है ये जीती है। ठीक है, अंडर विच आर्टिकल इज द राइट टू प्रॉपर्टी या लीगल राइट? मतलब राइट टू प्रॉपर्टी पहले फंडामेंटल राइट था, अब लीगल राइट बना, तो किस आर्टिकल के तहत बना है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या? चलो तो आंसर है इस क्वेश्चन का 300A है, 44th अमेंडमेंट में 300A बना था। ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं करना। नेशनल नृत्य सेरेमनी अवार्ड जो 2022 का मिला ये किसे मिला? नेशनल नृत्य सेरेमनी अवार्ड 2022, कमेंट करिए जल्दी से बताइए। ठीक है, द आंसर इज, ठीक है, अपर्णा। ठीक है, राजस्थान इज क्वेश्चन का आंसर। फॉलोइंग कंट्री शेयर द पटकाया माउंटेन रेंज विद इंडियन? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या? चलिए द आंसर इज म्यांमार। ठीक है, AFC वुमेन फुटबॉल एशियन कप जो है ये किसके द्वारा होस्ट किया जा रहा है? जल्दी से बताइएगा, आसान क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन। ठीक है, ये आसान है, इंडिया के द्वारा। इंडिया में जो विंटर में रेन होता है, ठीक है, वो किस वजह से होती है? सर्दियों में नॉर्थ के इलाकों में, इंडिया के नॉर्थ के इलाकों में और चेन्नई में, तमिलनाडु में रेन होती है, किस किस वजह से? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? बताइए क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ठीक है, देखो जैसे ये है ना, वेस्टर्न डिस्टरबेंस रहता है। ठीक है, ठीक है, अब कोई कहेगा सर वेस्टर्न डिस्टरबेंस इसमें दे नहीं रखा, यानी कि मेडिटेरियन सी से विंड्स, लेकिन नॉर्थ ईस्टर्न मानसून भी आते हैं। जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है ना, उधर के एरिया के जो मानसून है ना, वो विंड आते हैं। ठीक है, वो बेसिकली ये जो है ना, ये तमिलनाडु की तरफ वाला एग्जाम्पल। ठीक है, नोटा फोक डांस इन नागालैंड, बताइए कौन सा नागालैंड में फोक डांस नहीं है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? कमेंट करिए कौन सा नागालैंड में फोक डांस नहीं है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है दोस्तों? होजागरी। अच्छा, होजागरी किस स्टेट का है फिर? ठीक है, होजागरी अगर आंसर है तो किस स्टेट का होजागरी? सॉरी, चलिए आंसर है इस क्वेश्चन का होजागरी। क्या नॉर्थ ईस्ट की कोई स्टेट है क्या होजागरी? जहां का है
ठीक है, आंसर है इस क्वेश्चन का। चलो आंसर इस क्वेश्चन हो जागरी। ऋग्वेद से संबंधित इसमें से कौन सी पोटरी, मतलब पोटरी इसमें पोएट्री नहीं पूछ रहा, कहाँ कविताओं का, यहाँ पे ये कह रहा है ठीक है। इट्स अ मिट्टी का बर्तन, ठीक है। तो ये ऑर्चिड कलर्ड पॉटरी होती है, ये नॉर्थ ब्लैक पॉलिश वेयर मत लगाना, ज्यादातर बच्चे ये लगा देते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए, बैटल ऑफ बक्सर कौन से वर्ष में हुई थी, इस क्वेश्चन का आंसर है बताइए। बैटल ऑफ बक्सर कौन से वर्ष में हुई, इस क्वेश्चन का आंसर है। चलो तो आंसर है इस क्वेश्चन का, द आंसर इज 1764, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किसे कहा था, तो आसान है ये तो, अहमदाबाद, ठीक है। नॉर्थ इंडिया कानपुर, साउथ इंडिया कानपुर। प्रोपेन का फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ प्रोपेन, बताइए। प्रोपेन का इनमें से क्या फॉर्मूला है, ठीक है। देखो प्रोपेन का फॉर्मूला क्या है, द सिंगल बॉन्ड C3H8, ठीक है, C3H8, ठीक है। चलेगा क्वेश्चन देखिएगा, नीरज चोपड़ा ने अभी दोहा डायमंड लीग में थ्रो मारा था, ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट थ्रो था, 88.67 मीटर का, ठीक है। आंसर इज वेरी सिंपल, वर्ल्ड वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप 20 वाइज जो है, कौन सी टीम जीती है, बताइए कौन सी टीम जीती है। आंसर इज ऑस्ट्रेलिया। एक और क्वेश्चन देखिए, लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, ये इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता यार। देखो दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, ठीक है। लॉन्गेस्ट रिवर दुनिया की एक ही है, ठीक है, नील नदी, ठीक है। मोदी जी को इसके ऊपर भी अवार्ड मिल गया। यूनियन एग्जीक्यूटिव पावर जो है किस आर्टिकल में दे रखी है, ठीक है। आंसर है इस क्वेश्चन का, जल्दी से बताइएगा, यूनियन एग्जीक्यूटिव पावर किस में दे रखी है। चलो साउथ अफ्रीका को भी हरा दिया, बड़ी जल्दी निपटा दिया साउथ अफ्रीका। मैच थोड़े से ना, इतने ना सस्ते सस्ते मैच हो रहे हैं वर्ल्ड कप में, मजा सा नहीं आ रहा। मतलब एक तरफा मैच हो, चलो आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है, ठीक है। आंसर आर्टिकल 53। एक और क्वेश्चन देखिएगा, हिमालयन माउंटेन रेंज जो है किस टाइप का है, देखो हिमालयन सब, ठीक है, ठीक है। 83 में ऑल आउट, इंडिया वर्ल्ड कप में पक्का, जैसी रेटिंग इंडिया की फाइनल में। चलिए आंसर है इस क्वेश्चन का, फोल्ड माउंटेन है, यंग एंड फोल्ड माउंटेन। एक और क्वेश्चन देखिएगा, देखो अर्थ अर्थक्यूट क्या, ठीक है अभिषेक, मैं अभी देखो इस क्लास के जस्ट बाद 100% कल कल की मैराथन जो हुई थी, आज की जो मैराथन सुबह हुई थी, और ये जो क्लास, ये 3 PDF 100% मैं अभी भेजूंगा टेलीग्राम पे, श्योरिटी है इसी, ठीक है। बस ये क्लास खत्म होनी है, 15 मिनट में आ जाएगा। सेस्मोग्राफ इस क्वेश्चन का आंसर अर्थक्यूब को वैसा करें, कौन सा केमिकल एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 31 है। बहुत बड़ी बेसिक सी बात है कि भैया एटॉमिक नंबर पूछ रहा है, ठीक है। 31 किसका, गैलियम का है। बस पीरियोडिक टेबल के कुछ ब्लॉक्स देख लो एक बार, ये खुद आएगा। बैक टू वेदास लोगों किसने दिया था, ठीक है, आंसर के, ठीक है। 5 की PDF, 5 क्लास की PDF, चलो 2 की तो मैं दूंगा ही, 5 का मेरे को नहीं पता वैसे कि 5 कौन से, लेकिन 3 मेरे को पता है। कल का मैराथन रात वाला जो हुआ था, सुबह क्लास हुई और रात को ये क्लास होगी। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, आंसर इस क्वेश्चन का स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है। देखो स्टेट के संबंध, जैसे स्टेट बनाने की पावर किस आर्टिकल में, मतलब उसका मसला कि नई स्टेट बनानी है तो किस आर्टिकल से संबंधित, ठीक है। अगर नई स्टेट बनानी है तो वो संबंधित है आर्टिकल 3 से, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, मनी का क्या फंक्शन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मनी,
चलो द आंसर इज ठीक है ऑल ऑफ दी अबव। देखो ये है ना कि भाई मनी के तो सारे तरीके हैं, एक्सचेंज के लिए भी है, स्टैंडर्ड भी डिफाइन करता है, क्रेडिट सिस्टम में भी यूज होता है। वेदा जो कि अर्लीस्ट था ठीक है, ऋग्वेद सामवेद अचुर्वेद उन सभी में से चौथा वेद कौन सा है? ऋग्वेद है, सामवेद यजुर्वेद है, तो अथर्वेद बच गया ना, तो अथर्वेद आंसर है। इतना बड़ा क्वेश्चन, बस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, चार वेद में से तीन के नाम दे रखा, कह रहा है एक कौन सा। मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम किस चार्टर के तहत आया? मतलब मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम किस चार्टर के तहत आया, इस क्वेश्चन का आंसर। चलो द आंसर इज मैकेले मिनट 1853 35 सॉरी 17। हाँ जी 2400 जेस्टर होते हैं ठीक है इस डांस में। ये कौन सा डांस फॉर्म है जिसमें इतने सारे जेस्टर्स होते हैं ठीक है? बड़े हैंड जेस्टर्स, मैं तभी सोचो 2400 कैसे हो गए, 2400 जेस्टर्स 24 तक देना देना। चलिए आंसर है इस क्वेश्चन का आंसर कथकली। एक और क्वेश्चन देखिए, ओलंपिक सिंबल जो सर्कल है, पांच सर्कल जो है वो क्या दर्शाते हैं बताइए? पांच सर्कल क्या दर्शाते हैं? 23 तारीख को ओलंपिक डे ऑब्जर्व किया जाता ना ठीक है, और ये दर्शाता है, एक तो कॉन्टिनेंट है, दूसरा फ्रेंडशिप भी ठीक है, स्पोर्टिंग फ्रेंडशिप फॉर ऑल पीपल ये भी दर्शाता है। बच्चे सिर्फ कॉन्टिनेंट समझते हैं, बट द आंसर इज 3। अर्थ क्रस्ट कौन से टाइप की रॉक से बनता है बताइए, कौन से टाइप की चट्टान से बनता है? देखो एटलीस्ट 1 घंटा इस लेक्चर को करेंगे, 1 घंटे में हमारा कवर हो जाएगा जो मैं क्वेश्चन लेके आया। ठीक है चल, तो आंसर क्या इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का आंसर है सभी, इग्नियस मेटा और सेडिमेंटरी। ऑब्वियसली सभी रॉक्स जो हैं इसमें यूज होती है, अर्थ क्रस्ट में सबसे बनता है। गौर मारिया एक इम्पोर्टेंट रिचुअल डांस है किस स्टेट का? मैंने अलग अलग भवाई हो जागरी गौर मारिया ये सब जो क्वेश्चन कराए ये थोड़े से डिफरेंट है, कराओ कि भाई आंसर आने चाहिए। छत्तीसगढ़ इस क्वेश्चन का आंसर है। डिस्क्रिमिनेशन अगर महिलाओं के अगेंस्ट, देखो डिस्क्रिमिनेशन का आर्टिकल 15वां है, इसमें स्पेशली महिलाओं के लिए जो आर्टिकल है वो कौन से पार्ट में, मतलब 15th में भी कौन सा? ठीक है चलिए बताइए। चलो आंसर क्या है ठीक है, 15 में भी 3 ठीक है ना, 3 का ऐसे याद रखो, 3 6 ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन देखें, शैली सिंह ब्रॉन्ज मेडल जीती हैं किस गेम से संबंधित? ठीक है संबंधित है लॉन्ग जंप से ठीक है। एक और क्वेश्चन देखें, हु कैन इम्पोज रीजनेबल, इसका फंडामेंटल राइट पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कौन लगा सकता है? पार्लियामेंट, रद्द कर सकता है प्रेसिडेंट, लेकिन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है पार्लियामेंट के द्वारा। रद्द करने की बात नहीं हो रही है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की बात ठीक है। और जागरी अब आ गया ना नॉर्थ ईस्ट में ठीक है, वही चीज मैं पूछ रहा था हो जागरी का। एनिमल टिश्यू के उदाहरण में ये नहीं आता कौन सा? चलो द आंसर इज ठीक है एरोलर। मोनेको ग्रैंड प्रिक्स टाइटल जो है अभी कौन जीते, हाल फिलहाल में कुछ जीते हैं तो बताइए ठीक है। चलिए देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कि हाल फिलहाल में जो जीते हैं वो है मैक्स वेटरस्पन। देखिए लुइस हैमिल्टन, मैक्स वेटरस्पन, इनमें से ही जीते हैं ज्यादातर है ना। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा बताइए, उबर का थॉमस कप किससे संबंधित? ये पेपर का क्वेश्चन है भाई, देखो
कोई भी कप किससे संबंधित, कौन से खेल से संबंधित क्वेश्चन आता है, ठीक है? किससे संबंधित, कौन से खेल से संबंधित आता है? आंसर है बैडमिंटन, ठीक है जी? आंसर है बैडमिंटन। एक और क्वेश्चन देख, अत्यंत उलाम और अधिकतम कौन सी स्टेट के डांस फॉर्म है? बताइए आंसर के, कौन सी स्टेट के डांस फॉर्म है? ये अत्यंत उलाम और अधिकतम जो है केरला के डांस फॉर्म है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, देखो एटमोसफेयर में जो गैसेस ग्रीन हाउस इफेक्ट कर रही है वो कौन सी गैसेस? ठीक है, देखो जो ग्रीन हाउस इफेक्ट कर रही है वो तो है मीथेन, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है? और वैसे भी सिंपल है यार, ऑक्सीजन तो मत लगाओ, दो में तो ऑक्सीजन दे रखा है, ठीक है वो तो मत लगाओ यार। चलिए क्वेश्चन देखिए, 20 देश का वर्ल्ड कप, अच्छा क्लब वर्ल्ड कप है, मैं सोचू इंडिया वाला तो बड़ा आसान हो सकता है। ज्यादा इस क्वेश्चन का आंसर है लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास, मतलब इसके बाद आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है? जैसे ये वाला क्वेश्चन है, गांधी जी ने इसमें से कौन सी किताब लिखी? जैसे बड़ी फेमस है सारी ना, वाया मैथिस बाय भगत सिंह, तो हिंद स्वराज बसता है, इंडियन पिलग्रिमेज तो है ही नहीं, हिंद स्वराज है महात्मा गांधी जी की, और वाया मैथिस बाय भगत सिंह, तो ये दो तीन सवाल बनते थे, ठीक है? तो ये मेरा पीडीएफ आपको, मेरा खत क्वेश्चन ये पीडीएफ का मैंने कवर करा दी जो मैं लेके आया था। ये मेरा टेलीग्राम है अमन सर टेक्स्ट बुक, मैं अभी कंफर्म जितना सुबह का और कल का पीडीएफ है ना वो सारा अभी कंफर्म डाल रहा हूँ, 3 PDF मैं अभी डाल दे रहा हूँ, ठीक है? मोटी पीडीएफ है, बड़ी पीडीएफ है, तीनों के तीनों बड़ी पीडीएफ, ठीक है? टेलीग्राम अमन सर टेक्स्ट बुक पे मैं डाल रहा हूँ, ठीक है? आप इसे ज्वाइन कर लो, अगर कराओ तो और अच्छी बात है, इसमें आपको मिल जाएगा। और बाकी आप तैयारी अच्छी करना चाहते हो तो सफलता बैच में अमनदीप कोर्स से और फीस कम करके सब्सक्रिप्शन लेके पढ़ सकते हो, ठीक है? जैसे जो ये वाले कोर्स मैं आपको बता रहा हूँ ना, इनकी कुछ खास बात ये है, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग ऐप पे इस समय, पहले भी मैं आपको एक चीज और बता दूं, कल आपको ऑफर मिलेगा, फीस कम हो जाएगी। जैसे मान लो कोई सा भी खोल रहे हो, ये खोल रहे हो, एनरोल कर रहे हो ना, तो आप क्या करना, अभी दोपहर, अभी 12 बजे के बाद सब्सक्रिप्शन लेना, 12 बजे के बाद अगर लोगे तो 12 बजे के बाद लेना, आपको एक अपडेट मिलेगा, अमनदीप कोड से फीस कम, 12 बजे आएगा वो ऑफर, तो अमनदीप कोड यूज करके उसे यूटिलाइज करो, ठीक है? तो ये तो काम कर लेना, इसमें डेली क्लासेस होती है तो सारी थ्योरी में पढ़ाता हूँ, ये मैं आपको SSC के लिए और SSC CGL के लिए और SSC के JEE के ILP हर एक के लिए करा रहा हूँ, तो अलग अलग बैच आएंगे तो आपको एक साथ मिलेगा, मंदिर कोड यूज करिए, ठीक है? टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना अमन सर टेस्ट बुक, ठीक है? अरे नहीं भूलूंगा मैं, कंफर्म अभी PDF डाल रहा हूँ, मैं कंफर्म डाल दूंगा, ठीक है? मैं नहीं भूलूंगा। देखो तैयारी करने के लिए ना थोड़ा सा ना समय दिया करो अपने आप को, कि आप थोड़ा थ्योरी डिटेल में पढ़ो, एक बार बेस बनता है फिर क्वेश्चन करने में और आसानी होती है, ठीक है? टेलीग्राम पे जुड़े रहो, कनेक्टेड रहिए। अभी रात को रेगुलर क्लास नहीं होती है मेरी, कल नहीं होगी कोई क्लास रात को, बट सुबह जरूर 8 बजे कराऊंगा मैं, वो आप कर लेना सुबह 8 बजे वाली क्लास, ठीक है? चलिए धन्यवाद, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।